चलो मैं निकलता हूँ। और आज फिर से आपने इधर क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, तेरी घड़ी में टाइम क्या हुआ? 6:30। इसकी घड़ी तो चल रही है, मुझे लगा घड़ी खराब हो गई। समझा नहीं, मैथ्स कमजोर है। नहीं तो तू सुट्टा ब्रेक पे गया था ना अभी? हाँ गया था। तो तभी टाइम शीट देख लेगा अभी, हर रोज ऑफिस है, लास्ट मैं ही जाता हूँ। आई डोंट केयर, तू फर्स्ट आता है या लास्ट जाता है, आई डोंट केयर। ठीक है, पॉइंट पे काम है बहुत। Point ये है, my dear colleague, if someone comes to work at 9 AM and finishes their work for the day and wants to leave at 6 PM, then that's 9 hours of me slogging my ass here. 9 hours out of the 24 hours of my day that I've given to this company. 9 precious hours of my life that I'll never get back. 9 hours of slogging is what I'm paid for. Nothing more, nothing less. A problem ये है कि तुम जैसे लोग रात भर ऑफिस में पड़े रहते हो, ऐसे काम करते हुए दिखाई देते हो, जिससे कि एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि यार ये तो बड़ा हार्डवर्किंग एम्प्लॉय है, ये बड़ा सीरियस है, कमिटेड है, रात भर बैठ के काम करता है। कुछ लोग तो ऐसे ही फ्री एसी और वाईफाई के लिए पड़े रहते हैं। ये अपना सतीश, ये रात भर बैठ के फोन देखता है, यहाँ पे 9 बजे उसका काम खत्म हो जाता है लेकिन मेल डालेगा रात के 1:30 बजे ताकि बॉस को लगे ओके ये रात के 2 बजे तक बैठ के काम कर रहा था, बड़ा हार्डवर्किंग है, ये सब हार्डवर्किंग है, ये सब कमिटेड है। हम लोग जो सुबह से बैठकर फोकस के साथ बिना किसी इंटरप्शन के बिना किसी ब्रेक के काम करके शाम के 6 बजे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हमको क्या सुनने को मिलता है? आपडे, क्या बात है, आपडे जा रहे हो आज तो? क्या हाफ्टे? कैसा हाफ्टे? तुमसे कोई आके पूछता है कि जो 15 घंटे काम करके जा रहे हो उसमें तुमने कितने ब्रेक लिए? 30 सिगरेट ब्रेक्स, उसके बाद चाय ब्रेक, टॉयलेट ब्रेक, लंच ब्रेक, यस्टरडेज मैच एनालिसिस ब्रेक, हीटेड पॉलिटिकल डिबेट्स वाली ब्रेक, जूसी ऑफिस गॉसिप वाली ब्रेक, ये ब्रेक, लौड़ा लसुन ब्रेक, सारे ब्रेक मिला के 9 घंटों का काम तुम 12-15 घंटों का बना देते हो। व्हाट काइंड ऑफ एफिशिएंसी इज दैट? ऐसे इनएफिशिएंट लोगों के साथ हम क्या करते हैं? सर पे बिठा लेते हैं। अरे रे रे रे, 2 बजे तक काम करता है यार ये तो, प्रमोशन देते हैं इसको। ये तो 4 बजे तक काम करता है, इसको अगले साल ना लंदन भेजेंगे, ऑनसाइट भेजेंगे। Why is staying late at work considered a virtue? Why are we rewarding and glorifying it? और जो efficient लोग हैं, जो टाइम पे काम करके खत्म करके निकलना चाह रहे हैं, what do we do with them? We penalize them, we judge them, we make them feel guilty for their choices to leave on time. Why? Who is to blame for this? You and an office culture that has gone unchecked for decades now. Chutiya jo. तू 18 घंटे काम करता है, तुझे लगता है तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या? हैं? ये कंपनी वालों ने तेरी यहाँ पे एक फोटो लगा दी, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तू बहुत खुश हो गया ना तू अंदर से? यहाँ पे जिसका फोटो लगता है ना उसका सबसे बड़ा चूतिया कटा है, क्योंकि उसको ये तक नहीं पता कि इस क्यूबिकल के बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत जरूरी है मेरे लिए। When I leave this work and go out, there are n number of things that I want to do. I might have a wife, a family, a friend, whoever I want to meet. I might want to go to the pub with my friends and watch a game or play a game myself. Maybe I want to go for a run, read a book, whatever the fuck I want to do. In my time, in me time, and I have every goddamn right to do that. तू मुझे बता, ये office skill के अलावा और क्या आता है तुझे? क्या आता है? गिटार बजा लेता है? हाँ? Cooking, fishing, trekking, कभी कुछ किया है ऐसे? अपने बच्चे के साथ कभी walk पे गया है? Ice cream खाया है उसके साथ? क्या आता है? Office में गांड चाटने के अलावा क्या आता है तुझे? कब करेगा ये? ये सब जरूरी नहीं है? अब तू बोलेगा यार ये सब तो मैं weekend पे करूँगा। हाँ, किसने बोला ये? क्या जिंदगी सिर्फ संडे को जीने के लिए है? कौन सी कंपनी ने बोला ये कि मंडे टू सैटरडे मरते रहो और सिर्फ लाइफ जो है संडे को जियो? कहाँ लिखा है? कितने साल का है तू अभी? 30 का ना? 10 साल बाद 40 का हो जाएगा, उसके बाद 50 का, और फिर देखते देखते ना EMI और बिल्स भरते भरते एक दिन तू मर जाएगा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मर रहा होगा तू बैठ के सोचेगा क्या किया यार मैंने,
कीबोर्ड के साथ हिलाया और कुछ नहीं। मुझे नहीं मरना इसे। सो आई एम गोना गो राइट नाउ एंड एंजॉय द अदर हाफ डे ऑफ माई लाइफ। गुड लक विद योर फुल डे। चल रहा है कुकू कि तेरा भी फुल डे बाकी है अभी। रिलेशनशिप से